डीएपी खाद की समस्या को लेकर दुर्ग जिला किसान मोर्चा के अध्यक्ष के तत्वाधान में जिलाधीश को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपकर जिलाधीश को बताया गया कि प्राइवेट दुकान में डीएपी और पोटाश की उपलब्धता है और सरकारी सोसाइटी में नहीं है। ऐसा क्यों? दुकान में किसानों के साथ कालाबाजारी की जा रही है। 1350 रुपए के डीएपी को 1900 में बेचा जा रहा है। किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्राइवेट दुकानों से की जा रही खाद की कालाबाजारी पर रोक लगाकर किसानों को राहत दिलाने की मांग। कि आज ये राज्य की सरकार भूपेश बघेल की जो सरकार है भ्रष्टाचारी सरकार, इनका खुद का कहना है कि 75% खाद सप्लाई करी गई है केंद्र सरकार से। मेरा मानना है कि रवि फसल की 15% और 75% अभी जो खाद दी गई है वो कुल मिलाकर के 80-90% खाद हमको मिल चुकी है छत्तीसगढ़ को, लेकिन ये भूपेश बघेल की भ्रष्टाचारी सरकार जो है प्राइवेट वेंडर को ये खाद दे दिया है और उसके साथ में लदान दे करके 1900 रुपये डीएपी, 1350 रुपये के डीएपी को हमको 1900 रुपये में प्राइवेट दुकानों में बेचा जा रहा है। यह कमीशनखोरी की सरकार जो है वो आपको देखने को मिलेगी कि इनके ही मंत्री लड़ रहे हैं कमीशनखोरी के चक्कर में और किसान त्राही त्राही है, किसान रो रहा है, किसान परेशान है। सावन का महीना हो गया, हमको आज रोपा लगाना है, आज हमारे पास डीएपी नहीं है, आज यूरिया की स्टॉक भर के रख दिया और यूरिया हमें अभी ज़रूरत नहीं है। ये सरकार जो है भ्रष्टाचारी सरकार है, इसको उखाड़ फेंकना है और हम भारतीय जनता पार्टी और किसान मोर्चा की सरकार इसको तत्काल उखाड़ के फेंकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। किसान मोर्चा आज पूरे प्रदेश भाजपा के नेतृत्व आह्वान पे ध्रुव जिला भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा पदाधिकारी जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने आए। हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की मांग है कि पूरा सावन महीना लग गया, खेती किसानी काम अभी बहुत जोरों पर है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस साल किसी भी सोसाइटी में कांग्रेस की सरकार के द्वारा डीएपी खाद की सप्लाई नहीं की जा रही है और जानबूझकर जो केंद्र से मिलने वाले खाद डीएपी उसको सरकारी सोसाइटी में देकर प्राइवेट गोदामों में प्राइवेट अपने संस्थाओं के द्वारा मनमाने दर पर बेचा जा रहा है। हम जिलाधीश महोदय को आज ज्ञापन के द्वारा ये बात कहें कि जो डीएपी है वह सरकारी सोसाइटियों में अनिवार्य मिलना चाहिए और जो प्राइवेट दुकानों में जो डीएपी जो बेचा जा रहा है मनमाने कीमत में जो बेचा जा रहा है, एक निश्चित जो भारत सरकार के द्वारा डीएपी का जो कीमत है उसी कीमत पर ही दुकानों में भी विक्रय हो, यही हम सबकी मांग है।